सुप्रभात। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में नरजनन तंत्र के बारे में पढ़ चुके थे तथा अब हम लोग इसके बाद आगे और नरजनन तंत्र के अंगों के बारे में जान चुके थे। उसी प्रकार अब हम इस क्लास में आप लोग स्त्री जनन तंत्र के बारे में जानेंगे। इसमें हम क्या होता है, जैसे कि नर में आप लोगों ने जाना कि एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद उनमें विभिन्न प्रकार के शारीरिक व आंतरिक परिवर्तन होते हैं और उसके बाद उनके अंदर नर जनन तंत्र के अंतर्गत कुछ अंग आते हैं व कुछ हार्मोनल स्थितियाँ होती हैं। तो इसी प्रकार स्त्रियों में भी कई प्रकार के परिवर्तन व हार्मोनल परिवर्तित होते हैं तथा उनके शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो अब हम जैसे ही बात करना शुरू करते हैं तो मादाओं के अंदर जरायुजी होने के कारण इनको अंदर ये स्तनधारी है, तो सभी स्तनधारी जंतुओं में दुग्ध स्राव के लिए श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब इसके बाद इनके बारे में हम जानते हैं कि इनमें नर जनन तंत्र में क्या चीज़ें मुख्य रूप से जिम्मेदारियां या मुख्य रूप से कार्य आते हैं उनको हम देखते हैं। तो नर इसके मुख्य उत्तरदायित्व क्या होते हैं और इसके अतिरिक्त उनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं। तो सबसे पहली जो जिम्मेदारी होती है वह होती है कि निषेचन व भ्रूण विकास के लिए अनुकूल स्थान उपलब्ध करना। दूसरा होता है निषेचन व भ्रूण के लिए अनुकूल परिस्थितियां का प्रसव व उसके पोषण के लिए मादा युग्मक का निर्माण मादा लिंग आधार में Thank you.
ये उपर्युक्त जिम्मेदारियों उत्तरदायित्व की बात करते हैं हम, तो मादा जनतंत्र से जन्म और भ्रूण के लिए अनुकूल परिस्थितियां होना, दूसरा है शिशु को प्रसव व उसके पोषण के लिए दुग्ध का उत्पादन करना, तीसरा है मादा युग्मक का निर्माण, मादा लिंग हार्मोन का निर्माण, चौथा आता है आपकी जिम्मेदारियों में वीर्य को ग्रहण कर उचित स्थान पर संकलन करना, फिर पांचवा स्थान पर होता है भ्रूण का अंतरोपण, छठवां है गर्भावस्था की सफल, गर्भावस्था को सफल बनाना, उसके बाद सातवां आता है आपका प्रसव। तो इन उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने के बाद ही कि आप में माता में स्त्री जननतंत्रों के विकास और ये सारे उनके स्त्री के जिम्मेदारियां और उत्तरदायित्व होते हैं, या यह कह सकते हैं कि इन चीजों के होने पर ही वह स्त्री अपनी जनन क्षमता को संपन्न कर सकती है। इनमें से कोई भी समस्या होने पर वह जनन को पूर्ण रूप से संपन्न नहीं कर सकती। फिर अब इसके आगे हम देखते हैं कि स्त्री जनन अंग क्या है वह स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। अब हम स्त्री जनन तंत्र की बात करते हैं तो इसके पहले हमें जैसे पुरुषों में 15 वर्ष की 14 वर्ष के बाद यौवन का समय माना जाता है, उसी प्रकार स्त्रियों में भी भारतवर्ष में 13 से 16 वर्षों को किशोरावस्था या यौवन का समय माना जाता है, जिसमें उनमें जनन क्षमता धीरे धीरे संपन्न होना शुरू हो जाती है तथा उनमें भिन्न प्रकार के परिवर्तन भी दिखलाई देते हैं। जैसे पहला होता है कि उनके अंदर मासिक चक्र का प्रारंभ हो जाता है, दूसरा होता है उनके स्तन बाहर आने शुरू हो जाते हैं और तथा गुप्तांगों पे बालों का आ जाना। इसके बाद अगला पॉइंट होता है कि उनमें अपने विरोधी लिंग के प्रति आकर्षण होना शुरू हो जाता है। ये सब यौवन और किशोरावस्था के लक्षण होते हैं। इस आयु में हमें अपने बच्चों को या जो भी बच्चे हों तो उनके को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस समय भिन्न प्रकार के यौन रोगों से पीड़ित भी हो सकते हैं। तो देखते हैं हम स्त्री जनन तंत्र की बात करते हैं तो इनमें प्राथमिक जनन तंत्र में आपके आते हैं अंडाशय, तथा उसके बाद सहायक नलिकाओं की बात करते हैं सहायक में आते हैं आपके अंडवाहिनियां, गर्भाशय,
सहायक ग्रंथियों की बात करते हैं तो इनमें सहायक ग्रंथियों के रूप में बल्ब्यूरेथर या बार्थोलिन ये सारे हमारे स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत पाए जाने वाले जननांग में माने जाते हैं, जिसमें प्राथमिक जनन अंग जो होता है वह होता है अंडाशय तथा इसमें सहायक नलिका के रूप में अंडवाहिनियां गर्भाशय गर्भाशय ग्रीवा और दोनों सहायक नलिका के रूप में कार्य करती हैं तथा इसमें सहायक ग्रंथियों के रूप में बार्थोलिन व अस्थन कार्य करते हैं तथा बाह्य जननेन्द्रियों के रूप में गर्भाशय ग्रीवा तथा इनमें पाए जाने वाली योनि तथा गर्भाशय ये सारे क्या हैं हमारे बाह्य जननेन्द्रियां हैं जो कि एक मुलायम मांसल पदार्थ पेशियां होती हैं। अब इसके बाद हम इन लोगों इनके अंग तथा इनके चित्र को आप लोगों को पीडीएफ के द्वारा भेज देंगे, जिनको इसके बाद आप लोग उन चित्रों को बना लेंगे। धन्यवाद।